Now here we will do some examples of square and square roots. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स. ठीक है, यहाँ पे हमको दिया गया है पूरा पैटर्न, उसमें से जो मिसिंग नंबर्स है वो हमको फाइंड करना है. देखते हैं कैसे है ये. वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन स्क्वायर, फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस ब्लैंक दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस थर्टी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी वन स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस ब्लैंक द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक द होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बनता है बन रहा है उसको हमें ढूंढना है कि क्या पैटर्न बनेगा, और उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर. देखिए यहाँ पे हमारा जो नंबर है बाजू बाजू में हो रहा है, देखिए टू थ्री सिक्स सेवन टू ट्वेल्व थर्टीन, देखिए टू थ्री सिक्स सेवन ट्वेल्व थर्टीन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्वेंटी. ठीक है, नॉट ओनली बाय दिस मेथड वी कैन सी हियर, वी हैव वन टू ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, तो यहाँ पे हमारा जाएगा फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे थर्टी को हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सिक्स द होल स्क्वायर, फाइव सिक्स द होगा हमारा थर्टी. सो वी कैन इजीली डू दैट. यहाँ पे हमको क्या मिलेगा सिक्स द होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमको दिया गया है सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस ब्लैंक द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक द होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों टर्म मिसिंग है. ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया वन टू ज़ा टू है, यहाँ पे टू थ्री ज़ा सिक्स है, तो यहाँ पे ऐसे ही वैसे ही क्या मिलेगा हमें सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, फोर्टी टू द होल स्क्वायर आएगा हमारा. ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पैटर्न टू प्लस वन थ्री, सिक्स प्लस वन सेवन, टू ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, थर्टी प्लस वन थर्टी वन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा फोर्टी टू प्लस वन इज इक्वल टू फोर्टी थ्री द होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मिसिंग पैटर्न वाला टर्म. अब हमें बोला गया हो कि कोई भी जो अगर हमें बोला गया है कोई भी जो नंबर है वो जो है वो उसका लास्ट डिजिट ओड आएगा या इवन, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम देखते हैं वो. क्वेश्चन नंबर थ्री है, फोर थर्टी वन एंड टू एट टू सिक्स. ठीक है, दो एग्जांपल मैं करूंगी, बाकी के जो है वो आप ट्राई करेंगे. क्वेश्चन है हमारा द स्क्वेयर्स ऑफ द बीच नंबर विल बी ऑड. ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट में वो जो हमारा होगा स्क्वायर वो ऑड होगा. तो उसके लिए हमें पूरा इसका स्क्वायर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये पूरा 431 इंटू 431 करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल सी बाय मल्टीप्लाइंग ओनली लास्ट डिजिट, यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिजिट है उसको ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ही हम स्क्वायर करेंगे और हम देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा है वन, तो वन इंटू वन विल बी वन, तो इसका जो लास्ट डिजिट है ये 431 का, उसका लास्ट डिजिट होगा वन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑड नंबर है. यहाँ पे हमको दिया गया 2826, तो हम देखेंगे सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर हमें क्या मिलता है 36, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, हमारा जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 2826 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमको सिक्स मिलेगा. ठीक है, तो सिक्स जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो ये इवन मिलेगा हमको.
उसी तरह से हम कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। हम लेते हैं अगर 572, तो उसका लास्ट डिजिट है 2, तो उसका स्क्वायर होगा 4, तो उसका लास्ट डिजिट आएगा 4, तो वो होगा इवन। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल सी, अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पूछा गया, लास्ट डिजिट हमको क्या मिलेगा वो पूछ रहे हो, तो हम कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन वन है, यूनिट डिजिट पूछा गया हो, अगर हमें यूनिट डिजिट पूछा हो 81 का, तो हम उसका पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे कि 81 × 81 या 572 × 572, वी विल चेक ओनली द लास्ट डिजिट। ठीक है, 1 × 1 इट विल बी अवर 1, देन द लास्ट डिजिट विल बी 1। ठीक है, अगर हमें दिया गया 572, तो 2 × 2 इट विल बी 479 दिया गया हो, तो 9 × 9 हमें पता है 81 होगा, लेकिन उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, जो हमें स्क्वायर मिलेगा 79 का, उसका लास्ट डिजिट 1, क्योंकि 9 × 9 का हमें 81 मिलता है, लेकिन उसका लास्ट डिजिट 1 मिलता है, तो उसका भी लास्ट डिजिट 79 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है।